वॉज जस्ट चेकिंग द नोटिफिकेशन ऑफ माई लास्ट यूट्यूब वीडियो. काफ़ी अच्छा लगा मुझे अपना वीडियो. प्रोबेबली द व्यूज आर नॉट दैट हाई बट या इट्स गुड. एनी वे गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. आई होप यू गाइज आर डूइंग ग्रेट एंड योर जिम लाइफ इज स्पॉट ऑन. वेल, आज मेरा प्लान है बैक करने की और मैं बैक को आज अच्छी तरह से ट्रेन करने वाला हूँ बिकॉज माई बैक नीड्स टू ग्रो वेरी वाइड. और मैं बस कैमरा ऑन करके चेक कर रहा था कि पिछले का जो वीडियोज़ है उसको मैं कैसे ट्रांसफ़र करूँ अपने लैपटॉप पे. पर जब ही मैंने कैमरा ऑन करने की कोशिश की, देखा बिल्कुल भी चार्ज नहीं है. सो आई हैव टू लाइक पुट दिस इन चार्ज फॉर 45 मिनट्स. इट वुड बी फुल्ली चार्ज एंड देन आई हैव टू कैरी इट इन माई जिम. मैं आज का वीडियोज़ अपने फ़ोन पे ही शूट कर रहा हूँ. आई थिंक इट विल बी फाइन. इंटरेस्टिंगली कल मेरा जो चेस्ट वर्कआउट था वो काफ़ी सही गया. आई डिडंट एक्सपेक्ट इट टू बी दिस गुड. मेरा चेस्ट अभी तक सोर्ड है एंड आई कैन फील इट व्हेन आई गो टू स्लीप. द वेदर सक्स. आई थिंक दिस इज द थर्ड टाइम आई एम टेलिंग अबाउट द वेदर. द वेदर सक्स. लाइक इतनी गर्मी है ना कि पूछो मत. See, I'm just sitting in my room and filming myself and continuously getting sweats. Like fucking irresistible hot. It would be fine now. I'm just realizing ki phone se shoot karna ki itna easy hai. Like I can keep it here and there, but koi problem hi nahi hoga. So a small change that I'm gonna make is जब भी मैं घर पर शूट करूँगा मैं ज़्यादातर फ़ोन पर शूट करूँगा लेकिन जिम में अपना कैमरा यूज़ करूँगा. बिकॉज यू नो इट्स टू हेक्टिक टू कैरी द कैमरा इन साइड द हाउस. लाइक ये वाला एंगल लो फिर वो वाला एंगल लो, कुछ नहीं बनता है भाई इससे. तो मतलब इतना कन्फ्यूजन हो जाता है कि क्या बताओ. सो इसीलिए जस्ट टू मेक लाइफ ईजी एंड थिंग सॉर्टेड आई यूज़ द कैमरा ओनली इन द जिम. बट द लाइटिंग इन द जिम सक्स. सो I was planning to change my gym again. Like, let's see, there are few gyms in the local areas जहाँ पर मैंने देखा है कि lighting थोड़ा बहुत अच्छा है. Like in our gym, the light is totally yellowish and I don't like that vibe. Well, I really miss my old gym as because उस gym की जो aesthetic थी वो next level की थी. The lighting inside was very very nice. Like it was so camera friendly and you could literally feel the vibe inside it. But इस gym में क्या है ना, like उतना भी मुझे comfort महसूस नहीं होता है as because the lights are very yellowish and वो क्या है ना आँख पे चुभता है मुझे, पता नहीं. I don't like the yellow lights at all. But yeah, yellow paint is different. As you can see, my entire wall is painted with yellow. So the vibe is nice, like the color is nice, but not the yellow lights. तो आज हम लोग बैक बहुत अच्छे से ट्रेन करेंगे एंड आई विल कीप इट वेरी सिंपल एंड सिमिलर टू माय प्रीवियस बैक वर्कआउट स्प्लिट. अगर आप लोगों ने देखा नहीं है तो प्लीज़ गो एंड वॉच दैट वीडियो एज बिकॉज द स्प्लिट इज़ नॉट गोइंग टू चेंज बट द इंटेंसिटी एंड द क्वालिटी ऑफ माय वर्कआउट विल चेंज. मेरा जो रिपीटेशंस जा रहा है इन ईच एंड एवरी वर्कआउट आई एम सीइंग द repetitions are getting lesser and the quality of my overall workout is getting better as because mera jitna bhi repetitions ho raha hai bilkul perfect ho raha hai and I could feel the burn in my muscles during the period of time that I'm doing the sets. So isi ki wajah se mera jo overall workout hai aur overall split main kar raha hu for the day it's becoming the top notch that I've ever seen. Aur mera mental फोकस अभी काफ़ी बढ़ चुका है एंड आई एम फीलिंग एनर्जेटिक इन बिटवीन द वर्कआउट बट नॉट आफ्टर द वर्कआउट. बिकॉज वर्कआउट करने के बाद जब मैं खाना खाता हूँ आई गेट अ क्रैश. प्रोबेबली दैट्स अ कार्ब क्रैश और एनीथिंग इट कुड बी, आई एम नॉट श्योर. बट धीरे धीरे मुझे पता चल जाएगा कि खाना खाने के बाद ही मुझे इतना वीक क्यों महसूस होता है. प्रोबेबली मैं जितना वर्कआउट करता हूँ मेरा बॉडी एक रिकवरी के स्टेज में चला जाता है. दैट्स वाई आई फील लिटिल लेथार्जिक आफ्टर हैविंग फूड लाइक पोस्ट द वर्कआउट. एंड वंस आई फिगर इट आउट आई विल मेक सम चेंजेस इन माई डाइट क्योंकि वर्कआउट का चेंजेस तो मैं कर ही रहा हूँ
एंड ऑल द थिंग्स दैट आई नीड टू डू राइट नाउ इज टू मेक चेंजेस इन माई डाइट. यू नो जितना भी कोशिश करूँ माइंड को फोकस करने की पोस्ट द वर्कआउट लाइक आफ्टर हैविंग द मील माई माइंड गेट्स डाइवर्टेड. एनी वे विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स हेड इन टू द जिम. मीट यू गाइस देयर. Sometimes I still hear your voice. It's telling me you'll catch my fall. So how do I feel the ground? I wear my heart, you wear a crown. Well, made it to the gym. Just on the time. Actually, kya na bahut late ho gaya hai gym mein. Like it's around 5 p.m. in the evening. यूजअली मैं इस टाइम पर जिम नहीं आता हूँ बट सम हाउ यू नो आई हैव टू लाइक मैनेज माई वर्क एंड देन आई हैव टू कम इन जिम. सो ये मेरा वर्कआउट ऑलरेडी शुरू कर दिया है मैंने. जस्ट अभी चिनअप से स्टार्ट करता हूँ एज यूजल एंड दिस इज़ गोइंग टू बी माई सेकेंड सेट. और उसके लिए मैंने फिर से आज स्ट्रैप्स यूज़ किया और मैंने ये देखा कि एटलीस्ट एक्स्ट्रा टू रिपीटेशंस हो रहा है इजीली. सो द प्लान ऑफ यूजिंग द स्ट्रैप्स व्हाइल डूइंग पुलअप्स एक्चुअली गिवन मी बेनिफिट. एनीवे लेट्स गेट इनटू द सेट डायरेक्टली. होपफुली इट्स रिकॉर्डिंग ऑल ऑफ द थिंग्स दैट आई वांट. And the height is quite well. I hope he recorded me. ऐसे ही रेप स्ने मारा मैंने. दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट टी शर्ट बाय द वे. क्योंकि पिछले वाले सेट में मैंने ठीक तरह से इसको बांधा नहीं था. लाइक रैप्स वॉज लिटरली ऑफ नो यूज. आई रियलाइज दैट आफ्टर आई हिट द सेट. तो इसके लिए अभी इसे परफेक्ट करने की कोशिश करूँगा. होपफुली अच्छा रहेगा. एंड एनी वे जस्ट वांटेड टू चेक माई पंप while doing the chin-ups, so that's why in this position. Come on. Well, finally done with the first variation of my back exercise. Aur thoda stretching bhi karna important hai just because my muscles gets you know squeezed very easily, so that is the reason. Thoda sa stretching then uske baad we are going for barbell rowing as usual and one of my favorite exercises. I'm looking flat by the way. Fuck, I haven't ate anything, that's why probably. Anyway, let's get into it. Ye mera थर्ड सेट होगा अपनी बारबेल रोइंग्स की. और आज पता नहीं मेरा जो एनर्जी है काफ़ी ज़्यादा लो लग रहा है. मे बी ड्यू टू ईच एंड एवरी थिंग दैट आई एम गोइंग थ्रू राइट नाउ दैट इंक्लूड्स माई रेस्ट द वर्क दैट आई एम डूइंग एंड ऑल्सो जस्ट नॉट थिंक अबाउट इट. 15 ऑन ईच साइड है. लेट्स गेट इनटू दिस सेट टुडे. कम ऑन. Not bad. Okay, now next exercise could be again a pull movement. जिस हिसाब से भीड़ है जिम में आई थिंक आई टू वेट फॉर अ वाइल एंड देन आई एम गोइंग टू हिट द वी बार पुल डाउन्स. फाइनली आई एम गोइंग टू डू द वी बार पुल डाउन्स.
एंड पता नहीं आज एनर्जी इतना कम है, आई कैन नॉट इवन लाइक इमेजिन कि एनर्जी लेवल कम होने से वर्कआउट का जो फोकस है वो कितना घट सकता है. बट यू नो एज आई सेड एवरीथिंग एंड एनीथिंग इज मेकिंग मी लाइक डिस्ट्रैक्टेड राइट नाउ, सो आई एम जस्ट गोना पुट द फोकस इन माई वर्कआउट. शायद मैंने बात करने के तरीके से आप लोगों को समझ में आ रहा है दैट आई एम एक्चुअली नॉट फीलिंग इट टुडे. बट एनी वे आई हैव टू कम्प्लीट माई सेट्स, कम्प्लीट द टास्क स्प्लिट, देन गोना गेट बैक होम, ईट एंड टेक रेस्ट प्रोबेबली. Easy. Not bad. Well, the last variation of my back today would be cable pullovers as usual. ये करके बस घर जाऊँगा and I have to eat. Anyway, let's get into it. Steady. Easy. See you guys.